दोस्तों, ये हमारे पास 2.25 मीटर का है रिवॉन फैब्रिक। इस फैब्रिक से हम शर्ट कटिंग करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम हमारे शर्ट को कटिंग करते हुए खर्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा उस शर्ट में से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो को बिना स्किप करे आप देखिए, तो वीडियो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले कपड़े को 2 फोल्ड में कर लेना है। हम सीधे साइड को अंदर की तरफ रख देंगे और उल्टे साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से कपड़े के कोने के फैब्रिक को इस तरीके से हम पकड़ लेंगे। और कपड़े को ऐसा डबल फोल्ड में कर लेंगे। और इसके पूरे सलवटे जो है वो निकाल लेंगे। जो ये मैंने कपड़े को अच्छी तरीके से जमा लिया है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहली स्टेप हमें करना है, नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब यहाँ स्केल को सीधी रखेंगे। सीधी रखने के बाद इस तरफ से स्केल को थोड़ी सी ऐसी कर देंगे और स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब नीचे में स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद यहाँ बटन पट्टी और शर्ट पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। बटन पट्टी और शर्ट पट्टी के लिए हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। अब इस 1.5 इंच के मार्जिन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये मार्किंग होने के बाद हम हमारी लंबाई गिनेंगे। तो यहाँ लंबाई हमारी है 27 इंच लंबाई है। ये हमारा 27 इंच, और हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमारे ऊपर से 1/2 इंच दबेगा और नीचे से 1/2 इंच दबेगा। अब इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ हमारी कॉलर 15 इंच है। 15 इंच की कॉलर के लिए हम ये 2.75 इंच रखेंगे। और ऊपर से 2.25 इंच रखेंगे। यहाँ से हमने 2.75 इंच रखा है और ये 2.25 इंच रखा है। यहाँ हमारी 15 की कॉलर है। 2.25 तो हमारे हर कॉलर में कॉमन होता है। जैसे 14 की कॉलर होगी, 15 की कॉलर होगी, 16 की कॉलर होगी, 2.25 इंच कॉमन रहेगा। अगर कॉलर चेंज होती है तो यहाँ की लंबाई आपकी चेंज होगी। तो यहाँ हमारी 15 की लंबाई है तो हमने 2.75 इंच रखा है। 14 की अगर कॉलर हो तो हम यहाँ 2.75 की जगह 2.5 इंच रखेंगे। अगर हमारी कॉलर 15 की जगह 16 इंच हो तो हम यहाँ 2.75 की जगह 3 इंच रखेंगे। इस तरीके से हम उसे कम ज़्यादा कर लेते हैं 1/2 इंच में। और आप जब भी अगर नेक की कटिंग करें तो वो कॉलर से थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ताकि हम आखिरी में अगर वो छोटा हो गया तो उसको कटिंग करके हम बराबर कर लें। तो इस तरीके से हमें नेक की मार्किंग कर लेना है। अब नेक की मार्किंग करने के बाद हम हमारी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा शोल्डर यहाँ 18.5 इंच है। 18.5 इंच हमारा शोल्डर है। हम उसका हाफ करेंगे और इसमें 1/2 इंच ऐड कर देंगे तो हमारा हाफ होगा 9.25 इंच। 1/2 इंच हम ऐड करेंगे तो 10.5 इंच हमारा आएगा। तो ये हम 10.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें डाउन देना होता है, तो डाउन हम 1.5 इंच का देंगे। ये एक स्लिम फिट शर्ट है। 1.5 इंच, या फिर अगर शर्ट थोड़ा ढिलाई में ज़्यादा हो तो हम 1.5 की जगह 1.25 इंच रख लेंगे।
अब आर्म होल के लिए हमारी आर्म 14.5 इंच का है, तो हम ये 7.5 इंच रखेंगे। यहाँ अब ये 7.5, 7, 7, 7.5, 8 इंच या 8, 7.5 से 9 इंच तक रख सकते हो। और ये भी नेक के जैसा ही आप जब स्लीव्स लगाएंगे तो वहाँ पर आप इसको छटिंग कर सकते हो सेंटर से सेंटर मिला के। तो यहाँ मैं 14.5 इंच के आर्म के लिए 7.5 इंच पर आर्म की लेंथ रख रहा हूँ। और यहाँ हम फ्रंट की मैपिंग करेंगे। दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियो मैंने देखा है, वहाँ पे चेस्ट का माप लेते हैं तो वो चेस्ट का चौथा हिस्सा लेकर उसमें 2 इंच ऐड करते हैं, तो मैं मेरे माप लेने के समय मैं चेस्ट का माप नहीं लेता हूँ, फ्रंट का माप ले लेता हूँ। तो मेरा यहाँ फ्रंट मैंने ले रखा है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच फ्रंट में मैं आप ये 9.5 इंच आधा इंच उसमें ऐड कर दूंगा, 10 इंच पर ऐसे मार्क लगा दूंगा। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का डीप देना होता है, तो हम यहाँ डीप 2 इंच देंगे। और ये जैसे 10 इंच यहाँ है तो हम नीचे भी 10 इंच रख लेंगे। आर्म लेंथ को स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से शेप स्केल लेकर के शेप दे देंगे। इस तरीके से मैं यहाँ शेप दे दूंगा। यहाँ पे आर्म होल का राउंड दे दूंगा। तो इस तरीके से ये हमारी फ्रंट की मैपिंग हो चुकी है। अब हम इस फ्रंट को कट कर लेंगे। हमारा ये फ्रंट कटिंग होने के बाद हम इसका बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए जो हमारी फ्रंट की चौड़ाई थी उससे हमें 1/2 इंच कम हम हमारा बैक जो है वो रखते हैं। तो हमारा फ्रंट 9.5 इंच था, तो हमें यहाँ 9 इंच ही कपड़ा लगेगा। इस तरीके से हम कपड़े को डबल फोल्ड में कर कर हमारे सलवटे जो है वो निकाल देंगे। और उसके बाद में ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर हमारे फ्रंट को हम रखेंगे। अब ये लाइन से मैं ये हाँ ये जो हमारा जो फ्रंट का हिस्सा है ये लाइन से मैं 1 इंच नीचे रखूँगा और 1 इंच नीचे रखूँगा और इस तरीके से इसको कटिंग करूँगा। और मेरे शोल्डर की जो लंबाई है मैं वो 3.5 इंच रखूँगा। और यहाँ से जो है हमारा जो ये एंड हमारा ये जो ये निशान है यहाँ से शोपट्टी वाला, उससे हमारे जो बैक को है हम 1/2 इंच अंदर रखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बैक को 1/2 इंच अंदर रखा है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगा। तो फ्रंट पे मैं 18.5 इंच के शोल्डर के आधे करा था 9.25 इंच, उसमें 1/2 इंच मिलाया था, तो हमें बैक में 9.25 इंच पे सिर्फ 0.25 इंच मिलाना है, तो वो 9.5 इंच पे आएगा। ये 9.5 इंच। अब इस लाइन को इस तरीके से मार्क लगाकर इस बैग को भी कटिंग कर देंगे। तो
अब ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब हमारे बाकी है शोल्डर और स्लीव्स, अब हम वो कटिंग करेंगे। अब इस बचे हुए कपड़े में हम इसकी स्लीव्स कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ हमारी स्लीव्स है 23.5 इंच की, 23.5 इंच की हमारी स्लीव्स है। और ये कपड़े को इस तरीके से डबल में फोल्ड करके सारे सलवटे निकाल के फोर फोल्ड में कर देंगे। फोर फोल्ड में करने के बाद सबसे पहले ऊपर में निशान लगा लेंगे। अब हमारी स्लीव्स है 22.5 इंच की, हम उसमें आधा इंच कम कर देंगे, 22 इंच पर मार्क लगा देंगे। बाईस इंच पर माप लगाने के बाद वो लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। कप रखने वाले हैं 9 का 5.5 इंच रखेंगे हम यहाँ पर लूजिंग। इसमें हम एक ही प्लेट आएंगी हमारी, नहीं तो आपको दो प्लेट देना है तो हम 6 इंच रखना पड़ेगा। यहाँ पर आर्म होल है हमारा, आर्म की लंबाई है हमारी 14.5 इंच, तो 7.25 इंच, आधा इंच दबाई के लिए 7.25 इंच पर ये माप लगा लेंगे। और फिर ये शेप इसके लेंगे और यहाँ से शेप दे देंगे। अब स्लीव्स में जो ये मेन पार्ट होता है यहाँ का आर्म होल वाला, जो राउंड आएगा हमारा यहाँ से, तो राउंड मारने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से 3 इंच नीचे पे मार्क लगाएंगे। ये 3 इंच हमारा यहाँ आएगा नीचे, यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से हमारा इस तरीके से हम राउंड दे देंगे। ऐसा हमारा यहाँ से राउंड आ जाएगा। अब ये राउंड देने के बाद इस साइड पे हमारे इस तरीके से होल भी आ जाएगा एक। तो सबसे पहले हम राउंड को कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारी स्लीव्स जो कटिंग हो चुकी है, अब हम इसका हम होल दे देंगे। होल देने के लिए सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे और इस ऊपर वाले कपड़े को इस तरीके से ऊपर रखेंगे और यहाँ से ये जो है हमारा होल कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे होल दे दिया है। और ये होल देने के बाद इस पर हम चॉप पट्टी का निशान लगाएंगे। तो चॉप पट्टी के निशान लगाने के लिए इस तरीके से स्लीव्स को घुमाएंगे, यहाँ पर भी एक सेंटर पर कट लगाएंगे। और ये जो चॉप पट्टी का निशान है ये हमारी होल वाली साइड पे नहीं लगता है, ये हमारी जो राउंड वाली साइड है यहाँ लगेगा। तो अब इस कोने से इस सेंटर के पास इस तरीके से रख के निशान बना लेंगे। निशान बनाने के बाद चॉप पट्टी की लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। ये ऐसे 4.5 इंच पर निशान कर देंगे। अब स्लीव्स की कटिंग होने के बाद हम हमारे शोल्डर की कटिंग करेंगे। शोल्डर की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरीके से डबल में फोल्ड कर लेंगे। डबल में फोल्ड करने के बाद नीचे में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद शोल्डर की लंबाई है हमारी 18.5 इंच, 9.25 इंच, उसके हाफ और उसमें 0.5 इंच मिला देंगे। जैसा मैंने फ्रंट काटते हुए आपको बताया था कि मैं शोल्डर की यहाँ से लंबाई लूँगा 3.5 इंच, तो 3.5 इंच इधर भी लगा दूँगा। अब इस यहाँ से 2.25 इंच ऊपर और 3.25 इंच हमारा नेक का साइज़ देंगे।
यहाँ हमारे शोल्डर के हाफ में 1.25 इंच मिलाए थे, यहाँ आधा इंच मिलाएंगे, 10.25 इंच, और यहाँ से ऐसा शेप दे देंगे। बाकी मार्किंग भी पूरी कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारे शोल्डर की मार्किंग हो गई है। अब हम इस शोल्डर को कटिंग कर लेंगे। तो हमारे ये पूरे शर्ट कटिंग का ट्यूटोरियल पूरा हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँच सके।